हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका फ्रेंड विवेक और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मेरी थंडरबर्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस एंड कुछ रिपेयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं जो है अपनी बाइक के जो है मीटर को मैं रिपेयर करने वाला हूं। मेरे मीटर को देखिए मैंने जैसे ऑन करके रखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं मेरी ये जो है सेलेक्ट वाली जो स्विच है ये वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली। एंड जो सेट वाली स्विच है ये इसकी साउंड आ रहा है मगर ये वर्क नहीं कर रही है। साथ में ये हैजर्ड वाली स्विच जो है ये कभी कभी वर्क करती है कभी कभी नहीं करती है। तो आज मैं इस मीटर को ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप इस मीटर को जो है आप अपने खुद ही घर में रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मीटर ओपन करने के लिए दो टूल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला एक आपको पेंचकस की जरूरत पड़ेगी, दूसरा आपको जो है 10 नंबर का आपको ये पट्टी पाना या आप रिंग पाना यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मीटर ओपन करने के बाद आपको कुछ टूल्स की और जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि कटर हो गया ताकि आप जो पॉइंट्स को क्लीन कर सकते, एक ब्रश हो गया, एक आपको प्लकर हो गया और एक जो है छोटे पेंचकस का किट हो गया। फ्रेंड्स, अब मैं मीटर को ओपन करने आ रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है दो बोल्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। 10 नंबर के पाने से देखिए एक ये बोल्ट है और एक हमारे यहाँ राइट साइड में एक ये बोल्ट है। इसको हमें रिमूव करके हमें इसको ओपन करना है ताकि ये मीटर जो है हमारा बॉडी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें पेचकस से जो है ये वायर्स को ओपन करना है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने जो दोनों बोल्ट्स हैं मैंने बाहर ओपन कर लिए हैं। अब इसको मैं मीटर को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए मैं जो है टाइटली मैंने मीटर को मैंने बाहर निकाल लिए, दोनों मेरे बोर्ड्स ओपन हो गए। अब फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये रॉयल एनफील्ड का मीटर रखा हुआ है। इसमें मैं जो है इस पेंचकस की हेल्प से मैं इसके जो सारे बोर्ड्स हैं उसको मैं रिमूव करूँगा। जैसे ये आपको जो बोर्ड्स आप दिख रहे हैं ये सारे मेरे को ओपन करना है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, देखिए मैंने रॉयल एनफील्ड के मीटर को ओपन कर लिया है और ये देखिए आप सारे देखते हैं कितनी डस्ट इसमें लगी हुई है। अब आपकी जो ये स्विचेस आती है, स्विचेस में आप ये देख रहे हैं जो ये ब्लू पोर्शन है आपको यहाँ पे जो डस्ट दिख रही है, ये क्या है? वाटर के कारण है। ये वाटर के कारण जो है ये स्विचेस वर्क नहीं करती है, इसके कारण ये स्विचेस शॉर्ट हो चुके हैं। हमें क्या करना होगा, हमें ये स्विच पहले हम इसको क्लीन करके चेक कर लेते हैं कि अगर क्लीन करने में ये पेट्रोल से क्लीन करने में अगर ये ठीक हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये स्विचेस 5 रुपये की आती है मैक्स टू मैक्स, ये स्विचेस को हम बदल लेंगे और हमारा काम जो है चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये स्विचेस को हमें जो है रिमूव करने के लिए ये जैसे ये यहाँ से अंदर से कनेक्टेड है ये वाले पैनल को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सारे मैं नट बोल्ट्स को देखिए जैसे मैंने लूज़ कर लिए, सारे नट बोल्ट्स को निकाल करके मैं ये स्विचेस को बाहर निकालूंगा और इसको जो है मैं कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप वाले के पास से ये स्विचेस को रिप्लेस करा दूंगा। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने ये मीटर को जो है थर्ड पार्ट को इसको भी रिमूव कर लिया है, स्विचेस भी ये सामने फ्रंट पे आ चुकी हैं और ये हमारा मीटर का फ्रंट पार्ट, ये आपके जो है ये हैजार्ड स्विच है ये जो कि मेरी सही काम करी तो इसको मैं रिपेयर नहीं करूँगा। बट हाँ, इसको जो भी जो आपको डस्ट दिख रही है आप इसको क्लीन कर लीजिएगा ब्रश से। आपके पास ब्रश रखी हुई है दो प्रकार की, आप नॉर्मल वाली टूथब्रश यूज करिए या फिर आप और पेट्रोल से आप इसको क्लीन कर लीजिए ताकि पेट्रोल ये क्लीन कर देगा अच्छे से और ये पूरा आप मीटर को खुद ही आप क्लीन कर सकते हैं। इसका ये नहीं कि आप सर्विसिंग खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये स्विचेस को मैं रिप्लेस कर दूंगा ताकि मेरा जो है ये काम हो जाएगा। आप इसको ऐसे लेके जा सकते हो कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप वाले के पास और ये हार्डली 30 रुपीज़ ही लेगा मैक्स टू मैक्स। 10 रुपये के स्विचेस से 20 रुपये की शोल्डरिंग करके वो आपका ठीक कर देगा, तो आपको ऐसे 1000 रुपये आपके खराब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, आप ये मीटर देख सकते हैं, इसमें देखिए क्यों खराब हुआ है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे देखिए कलर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, ये पानी के जो ड्रॉप्स आ चुके थे इसके कारण इसकी जो है आईसी शॉर्ट हो चुकी है। उसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको बस सिंपली जो है पेट्रोल लेकर के आपको इसको क्लीन करना है और आपका मीटर ये पहले जैसा वर्क करना चालू कर देगा। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मीटर की जो है कुछ लाइट्स जो है फ्यूज़ हो जाती है, जैसे न्यूट्रल इंडिकेटर हो गया, रनिंग इंडिकेटर हो गया, तो पार्किंग इंडिकेटर हो गए, अगर ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसके लिए आपको ये जो 4 बोल्ट्स थे यहाँ पे इसको रिमूव करना है। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे आपका ये कवर ऐसे ही ओपन हो जाएगा, ये कवर को आप संभाल के रख लीजिएगा। मैंने इसको रख लिया है और ये कवर ये रख लिया। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको जो है इस साइड पे आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको जो है LEDs दिख रही है। ये LEDs हार्डली आपकी 1 रुपये से भी कम की आती है। आप इसको जो है शोल्डरिंग करके खुद ही इसको आप रिपेयर करा सकते हैं। अगर नहीं करा सकते हैं तो आप इसको ओपन करिए, इसको मीटर को इतना ओपन कर लीजिए और इतनी ओपन करके आप लेके जाएंगे कोई भी शोल्डरिंग या इलेक्ट्रिक वाले के पास, वो हार्डली आपसे 10 रुपये लेगा और आपका ये जो है शोल्डरिंग कर देगा। और ये LED नॉर्मल LED है, जो हमारी जो झालर या जो हमारी राइस LED होती है उसमें लगी आती है। और आप इसका LED का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो मीटर का कोई भी कलर चेंज करना हो तो आप इतना ओपन करके आप यहां से जो इसका कलर ओपन करके आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको मीटर को कंप्लीट रिमूव करने के लिए आपको ये 4 स्क्रू जो है जो मैंने ओपन करके रखे हुए हैं इनको और ओपन करना है ताकि आपका मीटर 2 पार्ट में जो है 20 से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसके जो पूरी मेन IC है आप उसको क्लीन कर सकते हैं। आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्या होता है, शॉर्ट्स में जो पॉइंट्स होते हैं जैसे कहीं से पानी चले जाता है तो जिसके कारण ये डिस्प्ले कुछ पॉइंट्स है ये वर्क नहीं करते। कभी कभी ऐसा आप देखते होंगे कि डिस्प्ले में कुछ पॉइंट्स चल रहे कुछ नहीं चल रहे, तो उसकी ये क्या होता है, ये जो होता है ये आपका ओडोमीटर या कुछ पेट्रोल मीटर के शो करते हैं, ये आपका सर्विस का ये जो पॉइंट्स है ये आपके सर्विस की लाइन्स को शो करते हैं, ये आपके जो है किलोमीटर और ट्रिप मीटर को शो
करते हैं, तो हो सकता है इसके कुछ पॉइंट्स में पानी चला जाता है कभी कभी, जिसके कारण कुछ जो ये आपके डिस्प्ले में जो है कुछ ऑप्शन शो नहीं करते हैं। उसका इशू ये होता है, डिस्प्ले पूरी तरह कभी ख़राब नहीं होती। फ्रेंड्स, अब आपको मीटर को जो दो पार्ट ओपन करने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये नीडल्स को रिमूव करना है। देखिए, जैसे मैंने ये आरपीएम मीटर को रिमूव किया है की नीडल्स को रिमूव किया है, सेम एज इट इज़ आपको ये जो वाली जो नीडल्स है इसको भी रिमूव करना है। इसको बिल्कुल लाइटली, क्योंकि कभी भी टूट सकती है, आप कपड़े दे करके पिंचेस की हेल्प से इसको धीरे से खींचेगा ताकि ये बाहर इजिली रिमूव हो जाएगी। ये स्विचेस कितने की है? 10 रुपये। 10 रुपये की। और ये स्विचेस आप कितनी देर में ठीक कर दोगे? होने को 10 मिनट में हो जाए, कभी कोई स्विच खराब निकल जाते हैं फिर दूसरा लगानी पड़ती है, टाइम लग जाता है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए 10 रुपये में ये स्विचेस अवेलेबल है मार्केट में। और ये भैया जो है सामने, ये भैया इसको जो है हार्डली जो है 50 रुपये या 100 रुपये लेंगे और ये दोनों स्विचेस को रिप्लेस कर देंगे। स्विचेस को जो है ये रिप्लेस करा लिया है। इसमें जो पहले ब्लैक वाली स्विचेस थी उसको रिप्लेस होके मैंने रेड वाली स्विचेस से नई स्विचेस लगवा ली। एग्जैक्टली सेम कलर की नहीं मिली, मगर हाँ ये काम सेम एज इट इज़ वैसे ही करिए। अब मैं मीटर को चालू करके आपको बता देता हूँ, स्विचेस आपको चला के दिखा देता हूँ कैसे ये काम करिए। देखिए मेरा मीटर चालू हो गया। अब देखिए मैं जैसे स्विचेस को प्रेस करूँगा, ये प्रेस किया, देखिए ट्रिप ए, ये हमारा एवरेज वाला कॉलम आ गया। ये देखिए स्विचेस हमारी वर्क कर रही है, ये हमारा हो गया। अब हम आपको ये वाली राइट वाली स्विचेस से आपको काम करके दिखा देते हैं। देखिए पहले ये भी काम नहीं कर रही थी, और ये इसको जब मैंने प्रेस करके रखा, ये देखिए ये ब्लिंक करना चालू हो गया डिस्प्ले, ठीक है, ये बाजू वाला डिस्प्ले। तो ये इस तरह हमारा जो है मीटर ये चालू हो चुका है। इसके बाद आपको जो है मीटर को सेम एज इट इज़ जैसे आया था वैसे ही पैक करना है, और उसके बाद आपको कनेक्शन कम्प्लीट करके इसको एज इट इज़ इंस्टॉल कर देना है। देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले जो है आपको जो है स्पीडोमीटर वाला जो आपका जो स्पीड वाला है, इसको लेवल को आपको यहाँ सेट करना है, ये जो होल्स है आपको यहाँ सेट करना है। उसके बाद आपको जो ये आपका जो आरपीएम मीटर है आपको सेम एज इट इज़ यहाँ सेट करना है। उसके बाद आपको जो ये आपका जो रॉयल इनफील्ड का जो इंडिकेटर वाले जो लोगो होते हैं, ये स्टैंड वाला, इसको आपको यहाँ सेट करना है, ये जो आपके ये होल्स में बाकायदा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी जो ये किट्स होती है, जो आपकी नीडल्स होती है, इसको आपको जो है ये सेंटर में यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे आपको इंस्टॉल करनी है। तो मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो है फ्रंट पार्ट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया है मैंने। ये मीटर मेरा कंप्लीट, मैंने नीडल्स को सेट कर दिया, मीटर सेटअप कर दिया, ये मेरा जो डिस्प्ले पूरा सेटअप हो चुका है। अब इसको जो है मेरे को ये कवर को सेटअप करना है, उसके बाद इसको फिनिश करना है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मीटर पूरी तरह ये पूरा टाइट हो चुका है। अब इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, इनफैक्ट इसको मैं रोटेट भी कर रहा हूँ तो इसमें ऐसा कोई वाइब्रेट नहीं है। ये मीटर पूरी तरह तैयार हो चुका है, स्विचेस हमारी रिप्लेस हो चुकी है, स्विचेस भी हमने क्लीन कर दी, यहाँ पे कहीं वाटर के स्पॉट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, पूरी स्विचेस बकायदा क्लीन हो चुकी है। और आप ये डस्ट देख सकते हैं, पूरी डस्ट जो है इस मीटर के अंदर से निकली थी। अगली बार आप अगर सेफ रखना चाहें तो प्लीज़ आप अपने मीटर को जो है पानी से बचाएं, ताकि आपको मीटर जो है लॉन्ग टाइम चले। अब जो है इस मीटर को हमें इस बॉक्स में सेटअप करना है, और हमारी जो स्विचेस है उसको हमें इस पॉइंट जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं दोनों साइड के, यहाँ पर स्विचेस को सेटअप करना है, ताकि ये जो स्विचेस है इसमें जब हम इस कंसोल में बटन प्रेस करें तो बाकायदा सही से प्रेस हो। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने स्विचेस को बाकायदा उसकी पोजीशन पर सेट कर दिया। अब ये मूव नहीं हो रही है, इसके लॉक्स में ये जाकर सेटअप हो चुकी है। स्विचेस यहाँ पर देखिए, आप साउंड भी सुन सकते हैं, ये वर्क कर रही है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे आप जब ये कवर को पैक करते हैं तो ये जो स्विच है ये इजिली बाहर निकल आती है, और ये क्या है इसकी जगह पे सेट नहीं हो पाती। तो आप क्या करिएगा, इसमें जो ड्रॉप्स है हल्का सा एक फेविक्विक का ड्रॉप यहाँ पे रख लीजिएगा, ताकि ये एक सेकंड के लॉक हो जाए। बिल्कुल कच्चा आप एक ज्वाइंट कर लीजिएगा, और एक सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने फेविक्विक गिरा दिया, अभी क्या ये स्विच यहाँ पे टाइट रहेगी तो ये मूव नहीं करेगी। फ्रेंड्स, अब ये मीटर मेरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है, बस ये लास्ट मेरे को नट बोल्ट्स को टाइट करना है, उसके बाद इसको गाड़ी में जाकर सेटअप करना है। तो इस तरह आप जो है आप अपना मीटर जो है खुद ही रिपेयर कर सकते हैं।